तो गाइस हमारी जो आज की वीडियो है वो हमारे पुशअप्स के ऊपर है, और वैसे भी पुशअप्स हमारे लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जो आप अपने घर पे भी कर सकते हो, ठीक है, जिम में भी कर सकते हो, परफॉर्मेंस कहीं पे भी कर सकते हो। तो एक एक तरीके से पुशअप्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज हो गई है, और साथ में बहुत लोग क्या करते हैं कि पुशअप्स सही तरीके से नहीं लगाते हैं, वो बहुत मिस्टेक करते हैं, ठीक है, क्योंकि पुशअप्स एक ऐसी बेसिक नीड है हमारे बॉडी के लिए बहुत है, क्योंकि आप देख सकते हो पुशअप्स कोई भी लगा सकता है, कोई भी घर पे। और एक चीज और कि बहुत लोग ये बोलते हैं अगर हमारी एज 15 के नीचे है हमें पुशअप्स लगाने में मना करते हैं, क्योंकि कहते हैं हाइट रुक जाएगी, उससे कभी भी हाइट नहीं बढ़ेगी। तो भाई ये गलतफहमी मत डालो अपने दिमाग में, ऐसा कुछ नहीं है, पुशअप्स से कभी हाइट नहीं रुकती है, ठीक है, क्योंकि मैंने भी अपनी जब पुशअप्स स्टार्ट करी थी, मैंने 14 या 15 की एज में स्टार्ट कर दी थी, तो मेरी भी आज तक हाइट रुकी नहीं, कहने वाली बातें हैं। और साथ में आज की इस वीडियो में मैं ऐसे आपको 5 मिस्टेक बताऊंगा जो लोग हमेशा गलती करते पुशअप्स लगाते हुए, और आपको ये ऐसे 5 मिस्टेक बहुत अवॉइड करनी है ताकि आप अच्छे से पुशअप्स लगाने सीख जाओ, एक बिगिनर से लेकर प्रो लेवल तक। तो गाइस हमारी जो पहली मिस्टेक है जो पुशअप्स करते हैं, जो लोग जो पहली जो मिस्टेक करते हैं वो ये है कि अपने हाथों का साइज इतना वाइड करके पुशअप्स करते हैं, जो बहुत गलत है। इससे क्या है, अगर आप पूरा हाथ खोल के करोगे तो आपका जो मसल टेंशन होगा चेस्ट पे नहीं आएगी, वो उल्टा उल्टा शोल्डर पे आएगी, जिससे कि आपके शोल्डर पे इंजरी होने का चांसेस हो जाएगा काफी, ठीक है। तो आपको ये सही कैसे करना है, आपको ये चीज लेके अपने शोल्डर से थोड़ा बाहर करना हाथ, ना ज्यादा अंदर ना ज्यादा बाहर, ठीक है, थोड़ा लेने के बाद फिर एकदम प्रॉपर तरीके से लगानी है। इससे क्या है, आप देख सकते हो जैसे ये चीज करोगे तो आपके चेस्ट पे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। तो गाइस हमारी जो तीसरी जो मिस्टेक है वो ये है कि कुछ लोग क्या अपने एल्बो के मूवमेंट पे ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो जैसे ये है, ठीक है, इसमें क्या है अपने कोहनी उन्होंने पूरी बाहर निकाल के ये चीज ये एकदम गलत है। अगर आप अपनी कोहनी को बाहर निकाल के करोगे वो सब, तो आपके चेस्ट में फर्क नहीं, सीधा शोल्डर पे पेन होगा और साथ में शोल्डर इंजरी होने का भी चांसेस है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको अपने एल्बो की मूवमेंट आपको एकदम साथ में, तो जो एल्बो की मूवमेंट है आपको बाहर नहीं करनी है, ठीक है, आपको अंदर ही करना है। मैं दिखाता हूँ कैसे, जैसे कि ये है, कुछ लोग क्या इतना बाहर ले आता है, आपको इतना नहीं, थोड़ा अंदर करके ये चीज एकदम अच्छे से परफॉर्म करिए इसको, जिससे क्या आपके एल्बो अंदर होने से क्या आपके चेस्ट पे फर्क पड़ेगा और साथ में आपकी चेस्ट पे बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। तो गाइस जो हमारी जो चौथी जो मिस्टेक है वो ये है कि कुछ लोग क्या है अपने पुशअप्स को जल्दी जल्दी परफॉर्म करते हैं, ये चीज जो बहुत ही गलत है, वो क्या है अपने ईगो से खेल रहे हैं, साथ में आप पुशअप्स ढंग के लगा नहीं रहे और उनके चेस्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज से, क्योंकि आप देख सकते हो जल्दी जल्दी करने से क्या आपके चेस्ट पे फोकस नहीं हो रहा है, तो बेकार है पुशअप्स लगाना। अगर आपको सही तरीके से पुशअप्स लगाने तो आपको टाइम एंड अटेंशन लेके करना पड़ेगा, जिससे कि आपके माइंड मसल कनेक्शन मसल के साथ लगेगा। तो आप नीचे लेके जितना हो सके स्लो में, नीचे ऊपर नीचे ऊपर, तो गाइस हमारी जो लास्ट और नेक्स्ट जो मिस्टेक है वो ये है कि अपने स्पाइन को सीधा नहीं रखना है, स्पाइन मतलब जो हमारी पीछे की जो पीठ की जो हड्डी होती है उसको सीधा नहीं रखना है, क्योंकि कुछ लोग क्या है कुछ लोग ये चीज ऐसे लेके ऐसे पुशअप से करते हैं, ठीक है, मतलब कि पूरा टेढ़ा करके, और कुछ लोग क्या है ऐसे लेके करते हैं, ये बहुत गलत है जिससे, ठीक है, अगर आपको एकदम प्रॉपर पुशअप्स लगाने के एकदम सही तरीके से, तो आपके स्पाइन एकदम पीछे की जो रीढ़ की हड्डी है वो एकदम सीधी होनी चाहिए और आपका हेड भी एकदम स्ट्रेट। मैं दिखाता हूँ कैसे, एकदम सीधे पोजीशन में आने के बाद हेड स्ट्रेट, फिर उसके बाद ये और जितना हो सके उतने स्लो में कर रहे हो उसे, जिससे कि आपके माइंड मसल कनेक्ट करेगा मसल के साथ और बहुत अच्छा फोकस होगा। तो गाइस आई होप कि आप
ये जो पांच जो मिस्टेक जो मैंने इस वीडियो में बताई कि आप ये अवॉइड करोगे, और ये जो पांच जो मिस्टेक मैंने बताई बहुत बेसिक है, क्योंकि ये बहुत लोग करते हैं, क्योंकि उन लोगों को कोई नॉलेज नहीं है, ना किसी जिम की नॉलेज है, ठीक है, ना वो ट्रेनर से पूछते हैं, तो वो ये गलती करते हैं, बाद में फिर उनके बैकबोन में भी दर्द होता है, शोल्डर इंजरी हो जाते हैं। तो ये चीज अगर आप ये चीज अवॉइड करोगे ऐसे पांच मिस्टेक, तो आपके भी चेस्ट में अच्छा पंप आएगा, ठीक है, और साथ में बॉडी लेवल भी अच्छा बनेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगे तो नीचे रेड बटन दिख रहा होगा, जाके सब्सक्राइब करें और साथ में लाइक करने ना भूलें। और ये मेरे इंस्टा आईडी खोली है, अगर कोई भी इस वीडियो से लेके कोई क्वेरी या फिर कोई क्वेश्चन है या फिर डाइट पूछनी हो, कुछ भी पूछना हो, तो गाइज इंस्टा पे पूछ ले करो, बता दे करूँगा।